दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे राजीनामा के बारे में कि जब दो पक्ष आपस में कोई वारदात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारपीट या मान लीजिए अन्य कोई बात हो जाती है, दोनों पक्ष एक दूसरे पे मुकदमा कर देते हैं या मान लीजिए एक पक्ष दूसरे पक्ष पे कोई कानूनी कार्रवाई कर देता है, तो उसमें राजीनामा यानी कि समझौता कैसे करवा सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि प्रत्येक धारा में राजीनामा नहीं होता है, प्रत्येक धारा में समझौता नहीं हो सकता है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं और उनमें से लगभग 50-60 धाराओं में ही राजीनामा होता है। अब आप कहेंगे कि भाई 302 तक में राजीनामा हो जाता है, 307 तक में राजीनामा हो जाता है, तो 307 302 में समझौता राजीनामा नहीं होता, ना ही राजीनामा योग्य है। अब प्रश्न आता है तो वो लोग बच कैसे जाते हैं जिनमें राजीनामा हो जाता है, तो वो लोग ऐसे बच जाते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को मार दिया, तो उसके परिवार वाले FIR करवाएंगे बी व्यक्ति के परिजन और कहेंगे भाई मैं गवाह था, मैंने देखा इसने ए ने गोली मार दी बी को, ठीक है। और मान लीजिए उसमें एक दो महीने बाद जो है उनमें राजीनामा हो गया, जो बी के परिवारजन थे उन्होंने पैसा ले लिया, तो वही कोर्ट में जाके ये कहेंगे कि भाई नहीं, इन्होंने गोली नहीं मारी थी, मैंने गांव वाले के कहने पे कर दिया था, ये अन्य कोई जो है अपने बयान बदल देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो गवाह है वही अपने बयान बदल देता है, जब वो कोई बयान ही नहीं देगा उसके खिलाफ तो उसे सजा होगी नहीं, तो इस प्रकार से कुछ मामला सॉर्ट आउट हो जाता है और जो भी व्यक्ति होते हैं वो बच जाते हैं। वैसे जो भी गंभीर अपराध होते हैं उनमें तो जो है राजीनामा होता ही नहीं है, समझौता होता ही नहीं है और कानून ने भी प्रावधान नहीं किया है, ठीक है। अब राजीनामा किन किन धाराओं में होगा, कानून ने कहाँ लिखा है और किन किन धाराओं में राजीनामा हो सकता है, वो भी आप सुन लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपीसी में 511 धाराएं, मात्र 50-60 धाराओं में राजीनामा समझौता योग्य हैं। अब ये प्रावधान जो है वो CRPC सेक्शन 320 में किया गया है कि किन किन धाराओं में राजीनामा होगा, और वो भी दो कैटेगरी में बांटी गई हैं। एक कैटेगरी में वो धाराएँ हैं जिनमें दोनों पक्ष राजीनामा कर सकते हैं, और एक कैटेगरी में वो धाराएं रखी गई हैं जिनमें कोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, कोर्ट की भी अनुज्ञा ली जाएगी, ठीक है। दो कैटेगरी आप जानते हैं किन किन धाराओं में, किन किन मामलों में राजीनामा हो सकता है, कौन कौन सी धाराएं राजीनामा योग्य हैं। तो देखिए उनमें जो है CRPC सेक्शन 320 में पूरी सारणी बनी है जिसमें लगभग 50-60 धाराएँ हैं। आप या तो CRPC देख सकते हैं, CRPC सेक्शन 320 देख सकते हैं, या मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली साड़ी में आपको बताने जा रहा हूँ जिनमें दोनों पक्ष आपसी समझौता कर सकते हैं, वो है IPC की धारा 298, 323, 334, 335, 41, 341, 342 और 343, 344। इसके अलावा 346, 352, 355, 358 और 379, 403, 407, 411, 414, 417, 419, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 428, 429, 430, 447, 448, 451, 482 और 483, 486, 491, 497, 498, 500, 501, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, 500 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो मैंने धाराएं बताई हैं ये धाराएं राजीनामा योग्य हैं और आसानी से दोनों पक्ष जो हैं राजीनामा कर सकते हैं। अब दूसरा पक्ष वही करेगा जिसके साथ वारदात हुई है, जैसे मान लीजिए 323 है तो जिसके साथ मारपीट हुई है उसकी राजीनामा, उसका जो है उससे समझौता होना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी श्रेणी में वे धाराएं हैं जिनमें वो व्यक्ति जिसके साथ हादसा हुआ है वो प्लस इसमें कोर्ट की अनुज्ञा भी जरूरी होगी, इसमें कोर्ट की इजाज़त भी जरूरी है, तो उसमें कौन सी धाराएं हैं। देखिए उसमें धाराएं हैं 312, 325, 337, 338, 357, 381, 406, 408 और 418, 420, 494, 500, 509, ये समस्त धाराएं हैं लगभग, ठीक है। तो ये धाराएं जो हैं इनमें राजीनामा हो सकता है। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बता दिया कि भाई जो बड़ी गंभीर अपराध होते हैं, ठीक है, हालांकि आप ऐसा समझ सकते हैं जिनमें 3 साल से ऊपर की सज़ा है उनमें अधिकतर मामलों में जो है राजीबाजी या मान लीजिए राजीनामा या समझौता होने
नहीं होता है, आप ऐसे समझ के चलिए। कन्फर्म नहीं कह सकता, लगभग कुछ में होता है लेकिन अधिकतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब भी अगर मान लीजिए कोई राजीनामा या मान लीजिए आपका कोई मैटर सॉर्ट आउट करवाते हैं या कोई भी मैटर है, तो उससे जो भी आपके संबंधित एडवोकेट हैं उनसे विस्तार से अच्छी तरीके से आपको सलाह लेनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना आए। धन्यवाद।